व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तैयार हो चुके हैं, अभी निकल रहे हैं बैंगलोर। रशी स्कूल जा रही है, रशी को छोड़ने आज मैं तो नहीं जाऊंगा, मम्मा जाएगी, मैं निकल रहा बैंगलोर। बैंगलोर में इवेंट है शाम का, आज का ही, कल सुबह आ जाएंगे। इवेंट क्या है चलते चलते बताते हैं आपको। बाय बाय पीहू। आज की फ्लाइट मैं पकड़ लूँ, मुझे बहुत ही कम भरोसा था, बस भगवान था कि मैं आज की फ्लाइट पकड़ पा रहा हूँ। धौला को वहाँ पे दो बड़े ट्रक एक्सीडेंट हो गया था, और पता नहीं हमारी आदत है जब एक्सीडेंट होता है ना तो हम गाड़ी स्लो करके देखते हैं कि क्या हो गया। भाई साहब इतना जाम था तो अंडर पास है, तो वहाँ पे बंदा कहता है मेरा ड्राइवर सर वहाँ से ले लूँ। मैं कहा वहाँ से नहीं ले सकते, वहाँ पे एयरपोर्ट नहीं है, वो यू टर्न है। कहता सर वहाँ, बट वहाँ ट्रैफिक नहीं है। तो मुझे उसको ये समझाने के लिए कि ट्रैफिक नहीं है बट वो गलत रास्ता है, उसने 5 मिनट वहीं वेस्ट कर दिए। तो जस्ट रीच द एयरपोर्ट, यहाँ पे सौरभ, साहिल और पीयूष भी है, और पीयूष से बहुत सारी बातें करनी है आज। नहीं नहीं कोई बात नहीं करनी है, पीयूष से बातें करनी है। कह रहा था अभी किताब निकाल के कुछ पढ़ाई कर रहा था। नहीं नहीं, अच्छा जैसे इवेंट के लिए जा रहा, उसी के लिए पढ़ रहा था क्या? पीयूष ये कह रहा है कि इस बार पहाड़े नहीं, इस बार फिटनेस चेक करेंगे। फिटनेस तो होगी तेरी अच्छी। चल एक काम कर, तब से कह रहा है सौरभ तू डर रहा है, डर रहा है, दिखा दे तू नहीं डरता, भाई सुना दे। चल क्या सुना दे, 13 का 13 13 13 13 13 13 फ्लाइट हो चुकी सबाब, बढ़िया फ्लाइट थी, मस्त सोया मैं, 2-2.5 घंटा पूरा निपटाया, नींद बढ़िया। ऐसा मुझे लगता था कि मैं लाइट ट्रैवल करता हूँ भाई, समझ नहीं लगा, खाली हाथ आ गया। हम एक कपड़े में हफ्ता हफ्ता रह लेते हैं। मैं कह रहा हूँ कि चलो कोई नहीं, अभी वहाँ जाके सामान आएगा, वहाँ वेट करना है। बेल्ट नंबर देख रहा हूँ मैं फोन में, कौन सी बेल्ट नंबर है। अभी ना हम लोग आज ना बैंगलोर के नए रनवे पे लैंड हुए थे, तो अभी नया, पहले 2 रनवे थे, तो जब ये नया रनवे बना था ना तो बता इससे पहला टेक ऑफ किसने किया था इस रनवे से? बढ़िया रहा, उसमें मेरी फ्लाइट लगी, पहला टेक ऑफ था वो नए रनवे का, उद्घाटन मैंने किया था उस नए रनवे का। हमारा एयरपोर्ट है सामने, हमारा ये वाला होटल है सामने। अरे इसके लिए क्या गाड़ी करेंगे यार, पैदल चल रहे। वेलकम टू माई रूम, ये है एक स्वीट मिला अपने को, तो स्वीट में यहाँ पे बेडरूम है, ये अपना मीटिंग रूम है, यहाँ पे मीटिंग होगी अभी 1 बजे, ये अपना डाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बड़े-बड़े अलमीराज हैं, यहाँ पे बैठ के मीटिंग कर सकते हैं। वो मेरा वर्क टेबल है, और ये मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि ये हटेगा कैसे, पड़ा था कि थोड़ी लाइट आए रूम में, तो कोई स्विच होगा इसको हटाने का। मिल चुका है फाइनली ड्रेप्स का, तो अब खुल चुके हैं हमारे ड्रेप्स, अब आपको दिखाते हैं यहाँ से बाहर का नजारा। तो ये है कुछ बाहर का नजारा, सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बट द गुड थिंग इज दैट इज एयरपोर्ट। और मैंने सौरभ को कहा कि अच्छी बात यह है कि रात को अगर कुछ चिल करना है, मस्ती करनी है, होटल में समझ में नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है, तो वी कैन स्ट्रेट अवे गो टू द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बाहर जो फूड कोर्ट है, रात भर 24 आवर्स खुलता है, सबसे अच्छी बात यह है। आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल बिकॉज इंसर्ट की फॉर पावर जब से किया है एकदम, मतलब पावर आ चुकी है यहाँ पे। तो दीज आर द 2 अलमीरास, आई नो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं इसको देखने में, बट क्या करें, क्या रखा है। दिस इज टी कॉफी, माय फेवरेट, एक ड्रॉअर में सारा सामान रखता हूं ताकि मैं चेकआउट करूं तो भूलूं ना सामान। सो दिस इज द बेडरूम, मेरे को तो ये बड़ा नाइस और कोजी लगा, मुझे ऐसा सेटअप अच्छा लगता है कि या तो अगर आप आओ तो आपको एक ही रूम मिलेगा, बड़ा सा मिलेगा, बहुत बड़ा। व्हाट आई प्रेफर इज बेडरूम अलग से, कोजी तो बड़े छोटा हो, ये काम करने का रूम और गंदगी फैलाने का रूम अलग हो। और हमारा फेवरेट, अब हम आ चुके हैं अपने बॉम्बिंग एरिया में, यहाँ पे बॉम्ब गिर गया, कौन आ गया, वेलकम टू माई रूम। थोड़ा सा मील कर लेते हैं, ये तूने सुबह सुबह बना के भेजा था, लेट्स हैव दिस। नीचे मैंने ज्यादा खाना खाना है क्योंकि लेट हो जाएंगे, और दूसरा ये खराब हो जाएगा। ये आप उनका फेवरेट काम, मजे नहीं आ रहे खाने में यार। सो
सो इट इज 3:30 राइट नाउ. ब्रीफिंग सब हो चुकी है. इवेंट इज सपोज टू स्टार्ट एट 6. इवेंट के पहले एक एक्सपीरियंस जोन है, वहां पे एक्सपीरियंस कर लेंगे क्या हो रहा है. सो ये इवेंट अन अकेडमी का इवेंट है. आज 5 सितंबर टीचर्स डे. सो आज इवेंट के लिए दिस इज द फर्स्ट टाइम ये फ्लैगशिप इवेंट हो रहा है और यहाँ पे काफी नई चीजें अन अकेडमी लॉन्च कर रहा है. तो वो आपको बताएंगे जब वो लॉन्च करेगा इवेंट पे और प्रॉपर लाइक बजर टाइप बजेगा, स्क्रीन पे आएगा. आई थिंक दिस होटल पूरा अन अकेडमी ने बुक करा लिया, क्योंकि नीचे हम लोग चेकिंग करे तो पूरा भरा हुआ था. एंड काफी सारे क्रिएटर्स भी आए हैं यहाँ पे जिनसे आपको मिलवाएंगे. एंड दिस इवेंट विल बी अ ईयरली इवेंट फ्रॉम नाउ ऑन. तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका इनसे बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि आई थिंक एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अगर आप एक्सेल करेंगे तो आप एक कंट्री को एक्सेल कर रहे हैं, बिकॉज जो फ्यूचर है कंट्री का, जो यूथ है, एजुकेशन उन सबको आगे लेके जाएगी एंड इन इफेक्ट एक कंट्री को आगे लेके जाएगी. तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, खाना वाना मंगा लिया. इवेंट स्टार्ट होगा 6 बजे. अपन 6:30-7 बजे तक चलेंगे नीचे, फिर एंजॉय करेंगे. लवली खाना आ चुका है, हमने मंगाया है किनोआ सैलेड विद एवोकाडो को चिकन टिक्का पीटा बेटर एंड हमस. भाई क्या अमेजिंग टेस्ट है इसका, बहुत अमेजिंग, मजा आ गया. इसका दाम सुनने को तो और ही मजा आएगा. सो दिस सैलेड इज 1000+ टैक्सेस, बट बिल देते हैं अभी क्या करें. तो फुली रेडी फॉर द इवेंट. अभी बच रहे हैं 5:15, नीचे जाते हैं. थोड़ा सा मीडिया के साथ इंटरेक्शन है एंड 6:00 द इवेंट स्टार्ट, और लाइव भी आएगा ये. तो मेरे इंस्टाग्राम, अच्छा ये तो निकल ही चुका है, तो जो इंस्टाग्राम पे उनको पता चल जाएगा. So we have reached the venue. तो यहाँ पे अपना पूरा इवेंट हो रहा है, बट फर्स्ट अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सपीरियंस सेंटर. ओए कैसा भाई? बहुत बढ़िया. बैंगलोर में ही मिले थे लास्ट? नो, मुंबई. ओके, नहीं मुंबई. हम लोग कॉफी पीने जाते हैं, फिर रास्ते में कॉफी बची हुई है अपनी. जीटी भाई, आपने रेलेवेंस के बारे में क्या सीखा है, स्पेशली यूट्यूब इंटरनेट की? क्लोरीन की 1 होती है, सोडियम की क्या थी सर? 1. रेलेवेंस वैलेंसी होती है, सॉरी वो वैलेंसी होती है. हाँ देखिए, जब आप नए होते हैं आई थिंक तो आप रेलेवेंट ही रेलेवेंट होते हैं, बिकॉज ऑडियंस को आपका सब कुछ अच्छा लगता है. इट्स लाइक न्यू गर्लफ्रेंड, वो जो हनीमून पीरियड होता है. बट देन आई थिंक ये बोल देना कि अब मैं रेलेवेंट नहीं रहा इसलिए व्यूज गिर रहे हैं, एक्शन नहीं आ रहा, ये बोलना ईजी है. पिवट करना, काम करना, कुछ नया देना डिफिकल्ट है, तो वो करना चाहिए. जब आप वो करोगे तो हाँ, मे बी शुरू की जो ग्रोथ थी 10 10 10 वो नहीं होके मे बी 2 2 2, बट आई थिंक इन लाइफ ग्राफ शुड ऑलवेज गो अप. समटाइम्स इट बी लाइक दिस, समटाइम्स बी लाइक दिस, बट ओवरऑल ट्रेंड शुड बी अप. तो आपके ऊपर मेंटेन करना, आप कर सकते हो, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है. तो ये हमारा क्लासरूम का एक्सपीरियंस सेंटर है. तो भी आज मैं स्टूडेंट बना इस क्लास में, और सर मुझे कुछ पढ़ाएंगे. पढ़ाइए सर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं मेरे को आज? आज हमारे साथ है फ्लाइंग बीस्ट. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स योर लाइफ एट आईआईटी? बिंदास. वन टिप एवरी आईआईटी जेई एस्पिरेंट शुड नो. अटेम्प्ट दे रहे हो तो अच्छे से दो, और सोच लो कि करना ही है उस साल, बस फिर बाकी एक साल के लिए डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो भाई. इज योर वन फेवरेट टीचर? ये मेरे मैथ्स के बड़े फेवरेट टीचर थे जिन्होंने जेई के लिए पढ़ाया था हमें. वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द मेस एट आईआईटी? त्याग. हमने त्याग दी थी. वन मेमोरी फ्रॉम आईआईटी डेज दैट यू विल नेवर फॉरगेट? जिम करते थे, और जिम के बाद सारे फ्रेंड्स आके साथ में फिर डिनर करते थे, तो वो बड़ी एक क्लोज नेट ग्रुप हो गया था हमारा. नए यूट्यूबर्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक जो कंटेंट आप बना रहे हो उसमें आपका पैशन होना चाहिए. भले ही व्यूज कम आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप वो पैशन से करो, आपको मजा आ रहा है कि आप वो कर सकते हो, अगले 10 साल तक कर सकते हो, चाहे उसमें व्यूज ना आए, चाहे आपको सक्सेस ना मिले, अगर आंसर हाँ है तो उस लाइन पे लग जाओ. हे गाइस, माय नेम इज गौरव तनेजा. यू गाइस ऑल्सो नो मी एज द फ्लाइंग बीस्ट. मैं फिटनेस में भी हूँ और एक आईआईटी ग्रेजुएट भी हूँ. तो आज के शो में हम दोनों का करेंगे बहुत ही संपूर्ण मिश्रण. जिम में आप बहुत सारे वर्कआउट करते होंगे, आपने उसको एक अलग नजरिए से देखा होगा, बट आज उसमें लगाएंगे हम फिजिक्स का तड़का. सारे जहान की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज दुनिया में सबको ये बनाना है, वो है बाइसेप्स. बाइसेप्स में बहुत सिंपल है. नाउ व्हेन यू आर लिफ्टिंग द वेट, दिस इज द मोमेंट आर्म, दिस इज द फल्क्रम. तो ये डिस्टेंस नाप लो कितना है, वेट इनटू डिस्टेंस आपका मोमेंट आर्म बन जाता है. सो व्हेन यू आर कर्लिंग अप, ये जो डिस्टेंस है, यू हैव टू काउंट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम यहां. तो ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. तो यहां पे आपका लोड हो जाएगा मिनिमम, यहां पे मैक्सिमम, नीचे गया मिनिमम. सो इट इज मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम. तो ये बेसिकली आप ये एंगल निकाल के इसका कॉस थीटा लगा दीजिए, तो वो आपका जो है एग्जैक्ट फोर्स जो आप उठा रहे हैं वो आप निकाल सकते हैं जिम. इससे ज्यादा फिजिक्स में नहीं लगा सकता फिटनेस में. Q&A time. फरहान अख्तर वाली थी ना मूवी भाग मिल्खा भाग, आई लव दो सॉन्ग्स, वेरी मोटिवेशनल सॉन्ग. तो मैंने कम्पीट भी किया था ना, तो मैंने वो सॉन्ग देख के सोचा था कि यार मैं आई गेट बैक ऑन स्टेज, आई कम्पीट अगेन. आई वुड लाइक टू मेक क्राइम अगेंस्ट वुमेन लॉज मोर स्ट्रिक्टर. IIT से एविएशन स्विच मारना इतना आसान नहीं था, सो आई वुड टेक दैट. मालदीव, बिकॉज माई डॉटर केव चलेगी, पापा मालदीव चलना है.
बहुत सारे मेरे, कितना बताऊँ मैं। चाय बड़ी अच्छी बनाता हूँ, खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं, झाड़ू पोछा सर घर के सारे काम बहुत अच्छे करता हूँ मैं, फर्स्ट क्लास। मैम संडे एंड संडे इज इक्वल टू ऑल डेज, बिकॉज द डे यू स्टार्ट डिसाइड टू वर्क फॉर योरसेल्फ देयर इज नो संडे, देयर इज नो मंडे, हम ट्रैक भी नहीं रहता कब कौन सा देना। तो हमारा एक्सपीरियंस सेंटर अभी हो चुका है कंप्लीट, अभी हम लोग जा रहे हैं, 5:58 हो रहा है यार, दे आर वेरी पंक्चुअल, 6 बजे स्टार्ट कर दिया हमने, तो अभी मेन इवेंट स्टार्ट होने वाला है 6 बजे, इट विल बी लाइव स्ट्रीम ऑन सो मेनी चैनल्स। पहली बार मिला ना हम, क्या हाल? अरे दुनिया में कोई है जिसको हक करने मजा आता है तो वो तन्मय भाई है भाई। 500 रुपए निकालो, 500 निकालो, मजा आता है ना, ऐसे फ्री में हक नहीं करते भाई हम, पैसे बहुत बहुत मजा आता है, पूरा मतलब वाइब्रेशन मिल जाते हैं। मुझे फोन आता है गौरव भाई का, ऋतिक को गले लगाने में उतना मजा नहीं आता था जितना तुझे गले लगाने में आता है। अब इसीलिए मैं शादी भी नहीं कर रहे, बस वेट कर रहा हूँ। चलो सौरभ भाई अपना यहाँ बैठे हुए, एक कुर्सी में क्यों बैठे हो, बॉडी में जब नया रनवे खुला था, आई वाज बोस्टिंग द फर्स्ट गाय टू टेक ऑफ फ्रॉम द न्यू रनवे वाज मी, वो फीता हमने काटा था। Very educated at the same time you've also been a learner, right? So you're a learner and an educator at some level. Which one do you enjoy more? Learner. Educator होते तो लोग गलतियाँ निकाल देते हैं बहुत। लर्नर में तो एवरीथिंग इज फाइन यार। तो अभी कुछ नए चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं अनअकैडमी के, दीज आर दीज पीपल हु आर लॉन्चिंग द न्यू चैनल्स राइट नाउ, तो आज ऐसे 50 चैनल लॉन्च होने वाले हैं। प्रेस दिस बटन टुगेदर, होल्ड ऑन एट द काउंट ऑफ 3, 2, 1 एंड ऑफ कोर्स लेडीज एंड जेंटलमैन दीज चैनल्स आर गोइंग लाइव, फर्स्ट सेट ऑफ चैनल्स गोइंग लाइव, कम ऑन लेट्स सी द बिग चीयर एट द काउंट ऑफ 3, 2, 1 ऑल राइट, आज चैनल्स हैं ये लाइव हो चुके हैं ऐसे 50, लेट्स मूव ऑन एंड लाइक हेलो मिस्टर दर्श, I'm just so happy कि आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते रास्ते पे टीचर गुम हो गई, क्या हो गया टीचर क्यों नहीं आई, बस पेड़ को अप्रिशिएट कर रही थी 2 घंटे के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं बैक स्टेज, अभी स्टेज पे कुछ इवेंट चल रहा है, उसके बाद आप लोग जाना स्टेज पे, माइक वाइक लगाते हैं, देखते सीन के स्टेज पे तो पटाखे फोड़ रहे ना असली वाले, वो बम है ना दिवाली वाले, स्मेल आ रही है, आई लव दिस स्मेल। It's being a pilot, a lawyer, a nutritionist, a YouTuber. Clearly, I've seen you have a lovely family. Yeah. What is the one thing that you've learned through this entire journey that you'd like to share with everybody sitting here in the audience at home? I'm a hard worker, but I can't figure out what my talent is or what that gift that God has given me. So I mean, you guys know, jo maine kiya aur wo thoda successful ho gaya, but you don't know jisme main 10 baar fail ho. तो जो मन में आ रहा है, यू वांट टू प्ले गिटार, यू प्ले दैट, यू वांट टू प्ले अ गेम, डू दैट, यू वांट टू प्ले फुटबॉल, यू वांट टू लीड अ बुक, यू वांट टू राइट पोएम्स, डू दैट, फेल देन मूव ऑन। सो दिस आई हैव लर्नड दिस वेरी हार्ड वे, आई हैव गॉन इनटू कोर्ट, आई हैव फेस्ड अबाउट लिटिगेशंस, आई हैव बीन अगेंस्ट कॉर्पोरेट विद कंपनीज, नेवर प्ले अ गेम ऑन बैक फुट, ऑलवेज अटैक। कैन यू, व्हाट इज वन थिंग व्हिच यू लुक फॉरवर्ड दीस डेज, क्या कर रहे हैं? आई नो फॉर श्योर कि अभी हम ट्रैवल नहीं कर सकते, बच्चे का स्कूल है, सो इट इज नॉट ट्रैवल, इट इज नॉट वर्किंग, जस्ट टेल मी ऑनेस्टली व्हाट इट इज। सो आई टोल्ड हर कि मेरे तो बचपन में सपना था, मुझे बचपन में एक्चुअली क्रिकेटर बनना था, क्रिकेट का बड़ा शौक है, सो पीपल हू फॉलो मी नाउ, आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट अगेन। कहती तू क्रिकेट खेल फिर, शी इज वेरी सपोर्टिंग इन दैट वे। या व्हाई इज द नेक्स्ट वे यू आर सेइंग दैट दैट पीपल स्टेप्ड आउट टू यू, हमारी संस्कृति भी सिखाती है कि कर्म आपने करना, आप अगर सही भी हैं, आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, you are right, you are a nice person, you are a nicest person, but अगर आप कर्म नहीं करेंगे, you do not do what you're supposed to do, कुछ नहीं होगा आपका लाइफ में। तो कर्म करो, अटैक करो और फाइट करो। And what are you looking forward to? तो हमारा इवेंट हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, इवेंट वेल सुपर गुड, बहुत अच्छा था, इवेंट हो चुका है समाप्त, हम लोग आ चुके हैं, हम लोग मतलब मैं आ चुका अपने रूम पे, चाय मंगा ली, चाय के साथ मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट पीनट बटर विद ब्रेड, इवेंट बहुत ही मजेदार रहा, अभी आई थिंक डिनर होगा जहाँ सब लोग डिनर कर रहे हैं, स्मॉल आफ्टर पार्टी भी है, तो वहाँ भी चले जाएंगे। टाइम है 9:30 का, चाय का तो टाइम नहीं है डेफिनेटली, लेकिन इस समय चाय की तलब मच गई क्योंकि शाम को चाय पीनी थी, मैं नीचे गया इवेंट में, चाय मिलेगी मिलेगी, लेकिन वो टक 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 इतना होगा कि चाय पी नहीं पाया, तो चाय के बिना शाम अधूरी लगती है।
है। अभी हम लोग जा रहे हैं आफ्टर पार्टी करने, शर्ट मैंने चेंज कर ली, थोड़ा सा पार्टी वेयर का लुक ले लिया, दिन में थोड़ा सा फॉर्मल लुक था। जस्ट चाय खत्म की और आ गया कि भाई आफ्टर पार्टी चलिए, मैंने कहा चाय के बाद आफ्टर पार्टी, वाह ये भी कॉम्बिनेशन है। खैर गलती मेरी है, रात को 10 बजे कौन चाय पीता है। लेकिन मैं जिसने भी ये चाय भेजी ना ताज एयरपोर्ट बैंगलोर में, भाई साहब मजा आ गया, तुम बहुत बेस्ट इंसान हो, तुमने 2 कप चाय भेज दी, मैंने एक मंगाई थी। बैक टू माई रूम, सुबह के 2 बज रहे हैं, अभी सोते हैं, सुबह निकलना अभी फ्लाइट, बट बेस्ट थिंग इज की एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा सामने और सुबह सुबह की फ्लाइट है, इट इज 2, 7 बजे उठ के पटाख से नाश्ता करके निकल लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इस वक्त अपना ख्याल रखें एंड लव यू गाइस, बाय। सो आई नो द व्लॉग इज एंडेड, बट मेरे को ये रूम की वाइब बहुत पसंद आ रही है, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीजन आई जस्ट लव दिस बेडरूम यार, मतलब मन कर रहा है कि यहाँ स्टे कर जाऊँ मैं, अलग सी वाइब आ रही है, कुछ है यहाँ पे यार, जब बोलिए ना कुछ है यहाँ पे यार, फट रही सोने में। एनीवेज बाय।